हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी वेब और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.8। तो 2.8 हम लोग पहले भी कर रहे थे लेकिन उसमें जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि एक्सरसाइज के सवाल जो है मतलब बहुत लेंदी हैं, तो इसलिए हमने जो है पिछली वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाए थे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे कवर। तो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने पहले अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। और मैं इसी तरीके की वीडियोस लाते रहता हूँ मैथ की एक्सरसाइज मैथ सॉल्यूशंस के हवाले से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि इफ़ अगर 1/b जो है बराबर है 2+√3 के, तो फाइंड मतलब मालूम करें बी और b4+1/b4, मतलब b4 और 1/b4 की वैल्यू मालूम करनी है कि b4 की आंसर क्या आएगा। और उन्होंने हमें 1/b की जो है वैल्यू बता दी 2+/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अभी इसको हम जो है ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। पहले 1/b की जो वैल्यू है 1/b = 2+√3, तो इसको हम पहले एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के बाद तो कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आएगी उसको हम मतलब कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होती है माइनस में जो होती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इससे रेशनलाइज करेंगे मतलब, ठीक है ना। कॉन्जुगेट की वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे इस वैल्यू से। तो करते हैं इसको, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1/b = 2+√3, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट इस तरीके से करेंगे कि b = ये माइनस में हुई थी तो कॉन्जुगेट हुई थी वैल्यू, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इससे, तो 1/2+√3 × 2-√3 और √2-√3, ठीक है। अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2-√3 ही आ जाएगा, तो b = 2-√3 और फिर ये आपस में नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेंगे, 2+√3 और ये साइन हमने ब्रैकेट लगा दिया और फिर 2-√3, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2-√3/2 जा तो ये 2² हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया और √3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब जो है इसको यहाँ पे जो है स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचा 3 और = 2-√3/2 जा जाएगा 4, तो 4-3/1 हुआ 1, 2-√3/1, ठीक है। और नीचे का 1 लिखते नहीं है तो इसलिए हम इसको 1 हटा देंगे और 2-√3 हो जाएगा इसका हमारा = 2-√3। अब हम जो है इसको जो हमारी वैल्यू आती है 2-√3/3, तो उसको हम करेंगे क्या, प्लस कर देंगे जो हमें सवाल में कहा था। तो इसको हम 9 के एड यहाँ पे डालते हैं, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, b+1/b, ठीक है। पहले ये निकालेंगे उसके बाद फिर हम निकालेंगे ना स्क्वायर और फिर 4 निकालेंगे। तो अभी हम इसको b+1/b करते हैं, = 2-√3, हमने जो हमारा निकला था वो लिखा हमने। उसके बाद हम यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ है 2+√3 तो हम वो लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो है 2+√3 लिख देंगे। अब जो है हम इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ मैं = डाल देता हूँ डायरेक्ट, ये वैल्यू नहीं मतलब b+1/b नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2-√3+2 और +√3, ठीक है। इसके बाद हम जो है +2 हो जाएगा और फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 4 यहाँ पे इसका,
अच्छा ये हमने रूट थ्री का जो है मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा ठीक है ना। तो ये कट गया, ये प्लस का, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लिखते तो नहीं लेकिन मैंने आपको फिर भी लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चले ठीक है ना। 2 + 2 4 हो गया, ये हमारी इसकी वैल्यू 4 आ गई है। अब जो हम नाउ की दोबारा हेडिंग डालेंगे ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी प्लस वन वन बी हमारा क्या आया, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर निकालना है उसके बाद 4 निकालेंगे, तो पहले स्क्वायर निकालने के लिए हम बी प्लस वन अपॉन बी पे जो है स्क्वायर लगा देंगे, बी प्लस वन अपॉन बी का होल स्क्वायर आ गया ठीक है। उसके बाद इधर 4 पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे, 4 पे स्क्वायर का लगाने का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 4 को 2 टाइम करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर और इजिकल टू ये 4 मल्टीप्लाई 4 ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 16। अच्छा तो ये हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करा था ना स्क्वायर से, तो स्क्वायर से बी पे तो आ गया, इधर भी आ गया, वन पे नहीं आया, वन पे अगर यहाँ पे जो लाएंगे तो यहाँ पे +2 भी हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी +2 और +2 ठीक है। अब यहाँ करेंगे बी स्क्वायर और +2 + 1/b² इजिकल टू 16 ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर और एक मिनट, बी स्क्वायर और +1/b² इजिकल टू 16 - 2, तो 16 - 2 हो गया 14, तो बी स्क्वायर +1/b² इजिकल टू 14। मतलब हमें ये पता चलेगा कि बी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी स्क्वायर की वैल्यू है 14। अब हम निकालेंगे इसका 4 मतलब क्यूब ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि नाउ की हेडिंग लगाएंगे दोबारा, और अब हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो पहले जो हमने बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब स्क्वायर लगाना है, और फिर इसका जो निकल जाएगा वो क्यूब निकल जाएगा, तो इजिकल टू 14 हमारा इसका आया था वैल्यू, तो इसको हम स्क्वायर लगा देंगे, 14 14 का होगा 196। तो यहाँ पे हम कर देंगे बी स्क्वायर प्लस 2 + 1/b² और स्क्वायर नहीं होगा बल्कि स्क्वायर से 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, हाँ तो 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा क्यूब ठीक है। इजिकल टू और 14 मल्टीप्लाई 14 तो ये हो जाएगा 196 ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे, बी फोर लिखा प्लस 1/b² लिखा और 196 - 2 कर दिया, अभी 196 - 2 194 हो गया, तो बी फोर प्लस 1/b² इजिकल टू 194, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया ठीक है व्यूवर्स। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 9 है उसमें बोल रहे हैं कि एफ एक्स इजिकल टू 5 √5 + 2, मतलब उन्होंने एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 + 2, और उन्होंने इस पे भी जैसे पे हमें बी प्लस बी क्यूब प्लस 1/b² दिए ना, मतलब बी फोर प्लस 1/b² मालूम करने का कहा था ना, तो वहां पे जो है x4 + 1/x4 का कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि वो सेम है बिल्कुल, तो बिलाफुल में वीडियो लेंदी होगी और सॉल्व बिल्कुल इसी तरीके से होना है इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इम्पोर्टेंट है मतलब, और अलग भी है, तो उसको कराना मैं समझता हूँ लाजमी है, तो उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं, और वीडियो जो है ना आप प्लीज़ एंड तक देखिए करें, क्योंकि एंड तक जब तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको वीडियो मतलब समझ में नहीं आएगी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें कैसे नहीं करें फिर इसलिए। तो अगर आपको कुछ मैथ की जो मैथ बुक सोल्यूशन समझ नहीं है इसकी पूरी कंप्लीट, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये कि आपको मेरी पूरी मतलब प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करी है कवर नहीं करी है तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने शुरू से अभी तक यहाँ पे कवर करते आ रहा हूँ, और हर एक 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 सवाल मतलब मैंने कवर किया उसमें पिछली वीडियोस में अपनी, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक्स भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।
अच्छा तो मैंने क्वेश्चन नंबर टू मैंने लिख दिया है, ओ क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी, क्वेश्चन नंबर टेन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर टेन में इफ क्यू इज इक्वल टू डिवाइड टू प्लस डिवाइड थ्री, ठीक है सॉरी रूट टू प्लस रूट थ्री। तो इस इसमें जो है मतलब हमने पहले दो सवाल दिए, उन्होंने एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं, दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। पहले इन्होंने बोली है कि वही क्यू फोर प्लस वन अपन क्यू फोर मालूम करनी है, जो हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो वो तो ईजी है, आप लोगों ने देख लिया तो आप दोबारा उसको आसानी से मालूम कर सकते हो। लेकिन मैं भी इसमें इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले ये ए सॉल्व करना है, उसके बाद बी। बी में क्या पूछा है, बी में पूछ रहे हैं कि फाइंड दी कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट मालूम करना है क्यू का, और वेरीफाई करना है क्यू की जो वैल्यू है वो रेशनल है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, वन अपॉन क्यू लिखा हमने, और हमने यहाँ पे क्या करा, ये क्यू वन आ गई ऊपर और फिर क्यू जो हमारा आ गया नीचे, तो रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉन्जुगेट वैल्यू से, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते ना, तो उसको हम ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन और रूट टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। हमने इसका निकाल लिया इस तरीके से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें पता चल जाएगा। तो ये हम ऐसे कर लिए, रूट टू माइनस रूट थ्री और अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री और ब्रैकेट और फिर ये रूट टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। मेरा असल में खत्म होती आ रही मार्कर की, तो आपको हो सकता है लो दिख रहा हो। अब इसको हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू टू का ये हो गया टू स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर से जो है ये हमारी ये डिवाइड ये कट जाएगा और ये रूट कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हम हमारी क्या वैल्यू बची, टू और थ्री, तो रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन ये बच्चे टू माइनस थ्री। अब टू माइनस थ्री जो है वन हुआ लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन ये बच्चा हमारा वन, वन लिखते नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगी, तो हमारी ये इसका हो गया रूट टू माइनस रूट थ्री और ये हमारी इसकी हो गई मतलब वैल्यू वन अपॉन क्यू की, ठीक है। हमें वन अपॉन क्यू तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, क्यू प्लस वन अपॉन क्यू का, क्यू प्लस वन अपॉन क्यू का हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। पहले इसको प्लस कर लेंगे उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस भी तो करना है ना। अच्छा तो हमने पैच पलट लिया, अब हम जो है यहाँ प्लस कर लेते हैं, हमारी इसकी वन अपॉन क्यू की वैल्यू आई थी रूट थ्री माइनस रूट टू, तो यहाँ पे हम क्यू प्लस वन अपॉन क्यू लिखेंगे और उसके बाद इसको हम प्लस कर देंगे, तो रूट टू प्लस रूट थ्री और फिर प्लस फिर रूट टू जो हमें सवाल में दिया हुआ था, तो हम वहाँ पर यहाँ पर वो लिख लेंगे प्लस रूट थ्री, तो सवाल में भी यही दिया हुआ था तो इसलिए हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस इस तरीके से करेंगे कि रूट थ्री प्लस और रूट थ्री, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो है हमारा एक मिनट, हाँ ये जो हमारी वैल्यू आई थी ये हमारी आई थी माइनस में सॉरी, तो ये हमारी वैल्यू माइनस में आई थी, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब माइनस का थ्री और माइनस का थ्री, रूट माइनस का थ्री, एक्चुअली मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि जो है जो हमारी वन अपन क्यू की वैल्यू आई थी तो ये नहीं आई थी, वो आई थी हमारी थ्री माइनस रूट टू, ठीक है। तो माइनस का टू और ये माइनस का टू, तो ये कट गया और ये बचा हमारा थ्री, तो हमने यहाँ पे थ्री प्लस थ्री लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये दो हैं तो इसको हम एक जगह ले लेंगे और वन प्लस वन टू हो गया, तो टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो नाउ की हेडिंग लगाएंगे दोबारा और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो क्यू प्लस वन अपॉन क्यू, इसका हम स्क्वायर लगाएंगे और इसका जो ये वैल्यू है इसको भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस
2 प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये 2 टू द 4 हो गया, ये रूट से ये कट गया और 2 टू द 4 हो गया, तो डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 बोलने, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ और ये ब्रैकेट में 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 3 था 12 हो गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 हो गए 10, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10। तो अब हम निकालेंगे क्यूब, मतलब 4 निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ की एडिंग डालेंगे दोबारा, और क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इसका जो होल स्क्वायर लगा देंगे और इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको दोबारा ब्रैकेट खोल लेंगे, इस हम पहले कर रहे थे। अच्छा, तो इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया क्यू का स्क्वायर से स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और प्लस 2 हो गया प्लस 1 अपॉन क्यू का 4 हो गया और इज इक्वल टू 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 को 2 टाइम करना है, तो 10 को 2 टाइम कर दिया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम अभी यहाँ लिख देते हैं, तो क्यू 4 प्लस, और ये हम 2 जो उधर चले जाएगा, तो 1 अपॉन क्यू 4 कर देते हैं, और ये 10 10 तो होगा 100 और माइनस का 2, तो ये होगा 98। तो क्यू 4 प्लस 1 अपॉन क्यू 4 इज इक्वल टू 98, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका पहले का आंसर, मतलब हमने क्यूब निकाल लिया। अब जो है हमारा दूसरा सवाल जो था वो करते हैं, तो दोबारा हम यहाँ पे सॉल्यूशन की निकालेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे बी, और फिर ब्रैकेट लगा के सॉल्यूशन की निकाल ली, ठीक है। अच्छा, तो हमें सवाल क्या दिया होता, सवाल हमारा था यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है उसकी हमें कॉन्जुगेट निकालनी थी, तो क्यू इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ था, ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट हमने मालूम करना था, तो कॉन्जुगेट हम यहाँ पे लिख देंगे, कॉन्जुगेट की यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, या फिर यहाँ लिख देंगे इज द कॉन्जुगेट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और फिर ये लिख देंगे कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, तो 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब जो है दूसरा ये कहता हमें वेरीफाई करना था, एक मिनट सवाल देख लूँगा, हाँ, तो वेरीफाई क्या करना था, कॉन्जुगेट रेशनल नंबर्स, तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे हेड में डालेंगे नाउ द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड इट्स कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लिख दिया, उसके बाद विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे कि वो रेशनल है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि रूट टू प्लस रूट थ्री, और फिर रूट टू माइनस रूट थ्री, और इजिकल टू रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, और माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, तो ये हमारे इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे इजिकल टू डाल देंगे, उसके बाद यहाँ इजिकल टू डाल के यहाँ डाल देता हूँ एक मिनट, और टू माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू माइनस थ्री माइनस का वन बचा, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, तो हाँ यहाँ पे हम इसको आंसर लिख देंगे। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमें रेशनल नंबर मालूम करने का कहा था ना, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू और सेट ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया, ये मेरे को लग रहा था कि आपको करवाना लाजमी, तो इसलिए मैंने करवा दिया, हालांकि ये पेपर्स में आता नहीं है ये वाले सवाल, मैंने मतलब 5 ईयर्स में नहीं देखा, जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह 5 ईयर भी सॉल्व कराऊंगा आपको। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीट हुआ,
और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो है एक्सरसाइज का लास्ट है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अच्छा तो व्यूवर्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि मालूम करो कि ऑर्डर क्या है, इन जो सवाल दिए हैं इसमें ऑर्डर क्या है और स्वॉर्ड्स क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं और हेडिंग भी डाल ली है स्वॉर्ड्स की और ऑर्डर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि इनमें स्वॉर्ड्स क्या है और ऑर्डर क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें जो स्वॉर्ड्स है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में 3√25, ठीक है। तो मतलब इसमें क्वार्ट्स, मतलब क्वार्ट्स पूछ रही है। तो ऑर्डर जो है हमारा ये 3 है, तो मतलब क्यूब होगा, क्यूब जो है थर्ड होता है। तो यहाँ पे हम थर्ड लिख देंगे इधर, ऑर्डर पे जो है उधर हम ये लिख देंगे सवाल जो हमें दिया हुआ है। तो 25 और 3, तो यहाँ पे आ गया थर्ड। सिंपल सा इसमें यही करना है बस। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, फोर्थ दी हुई है, तो उसमें हम लिख देंगे फोर्थ, ठीक है। ऑर्डर हमें फोर्थ का दिया हुआ है तो इसलिए फोर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं 4 और 24 लिखूंगा और यहाँ फोर्थ लिख दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें थर्ड दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे 3 लिखूंगा और 4/9 और यहाँ थर्ड लिख दूंगा। इसी तरीके से फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें फोर्थ दिया हुआ है, तो इसमें जो है मैं फोर्थ लिख दूंगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है उसमें भी, इसमें 3 दिया हुआ तो मतलब थर्ड हो गया, तो इसमें मैं थर्ड लिख दूंगा। और ये हमारा हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 इतना सा था, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक अल्लाह हाफिज़।